हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम देखेंगे जो एनवायरमेंटल साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के जो एनवायरमेंटल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके वो पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अब देखिए, एनवायरमेंटल साइंस का जो लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको नोट लिखने को आ सकता है और उसको डिफाइन करने को भी आ सकता है। और अगला है डिफाइन बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर क्या होता है। अब देखिए, जो बायोस्फीयर होता है ये इसके अंदर सब आ जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो मतलब आपको बायोस्फीयर को तो पढ़ना ही है, साथ में लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमोस्फीयर क्या है, एटमोस्फीयर की कितनी लेयर है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इन सब पे क्या है शॉर्ट नोट आ सकता है। वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि लिथोस्फीयर मतलब जितने भी कंपोनेंट है बायोस्फीयर के सबको डिस्क्राइब करने को आ सकता है, पूरा कि ये नोट में बनाने को आ सकता है। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होती है। और देखिए, एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज में अंतर होता है, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी है, तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और देखिए, अगला सवाल है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको कोई सिचुएशन भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसका क्या सलूशन है, तो आपको अपनी तरफ से आंसर लिखना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और देखिए, अगला है एटमोस्फेयर के कौन कौन से कंपोनेंट है उनको डिस्क्राइब करने को आ सकता है। और अगला है फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो आप 100 बार टिक मार लीजिए। और इसके जो गोल्स हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, 17 गोल्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको याद करना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन है और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डालूंगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगला है लेसन 2 जिसका नाम है इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, मेनली इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे कंज्यूमर क्या हो गया, पिरामिड ऑफ एनर्जी जिसमें क्या पिरामिड एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, वाटर साइकिल, जो भी साइकिल चलती रहती है ना, वाटर साइकिल होगी, एनर्जी साइकिल होगी, फूड चेन हो गई, इन सब पे क्या शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उनके बारे में पता होना चाहिए। अगला है लेसन 3, इकोसिस्टम फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए, इसमें भी वही फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, होम्योस्टेटिक्स क्या होते हैं, तो ये सब आपकी टर्म्स है, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, जो एनवायरमेंटल साइंस की जो पीडीएफ है ना उसमें जो ग्लोरी दे रखी है उसमें सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो सबकी आपको ग्लोरी पढ़ के जानी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करना होता है, तो उसमें सब दिया गया है ग्लोरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन साइकिल क्या होती है इकोसिस्टम में, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और जो एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे आपको पता है ना 10% एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे कि घास का एनर्जी लेवल है 1000, तो अगर उसको बकरी ने खाया तो उसका उसका 10% जाएगा, यानी 100 एनर्जी जाएगी, तो ऐसे ऐसे करके 10% आगे शिफ्ट होता रहता है, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है लेसन 4, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो कितने टाइप का होता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, तो आपको इकोसिस्टम के सारे टाइप्स पता होने चाहिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबके इकोसिस्टम के टाइप्स बताइए और उन सबको डिस्क्राइब करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जो इकोसिस्टम है वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि रेगुलेटिंग सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, स्पॉटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, तो ऐसी कई सारी सर्विस है जिनको आपको पढ़ना है और इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगला है लेसन 5, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। तो जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लैंड है यानी हमारी जो जमीन है वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वो हमें खेती करवाती है ना, हमें रहने के लिए जगह देती है, हमें चलने के लिए जमीन देती है, हमें जंगल प्रोवाइड करवाती है ना, लकड़ियां प्रोवाइड करवाती है, हमें मिनरल्स मिलते हैं लैंड से, और क्या है पेट्रोलियम, कोल वगैरह जितनी भी हमारी जरूरत का सामान है वो सब क्या है लैंड से मिलते हैं, तो ऐसे करके आपको आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंड डिग्रेडेशन। तो देखिए, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड का उपजाऊपन खत्म होना, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और जो ह्यूमन है यानी जो हम है, हम लैंड को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, डिफोरेस्टेशन तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तो हर बार पूछा जाता है, डिफोरेस्टेशन का मतलब जो हम पेड़ काट रहे हैं उसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, तो आपको उसको एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा है कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो कैसे होता है, तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है रेत का बंजर हो जाना, डेजर्ट की तरह रेत देखिए ना, उस पर कोई भी प्लांट नहीं उग पाता, खेती नहीं हो पाती, तो जमीन क्या होती है उपजाऊपन उसका खत्म हो जाता है, तो आपको बताना है कि जो जमीन के उपजाऊपन है वो कैसे खत्म हो जाता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें पूछा है जो डैम्स होते हैं, माइंस होते हैं,
तो ये हमें इन्वायरमेंटल और सोशली कैसे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है डैम बनता है कितने लोगों को हटाना पड़ता है, माइनिंग की जाती है कितनी, वो जो जमीन है खाली करवाई जाती है, लोगों को शिफ्ट करवाया जाता है, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और लोगों को सोशली तो करना पड़ता है, इन्वायरमेंटली भी करना पड़ता है, डैम बनता है कितने सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, माइनिंग करते हैं उसमें भी पेड़ों को काटा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला है लेसन सिक्स, अब इसमें आ जाता है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्वाफायर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो इन सबके बारे में आपको पढ़ना है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है ना, तो ये सबको आपको पढ़ना है। अगला है लेसन सेवन, तो इसमें आ जाती है एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके अंदर हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सबके बारे में आ जाता है, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है, और जो कोल है यानी जो कोयला है उसके कितने टाइप्स होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, तो इस सबको आपको पढ़ के रखना है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, तो रिन्यूएबल क्या है, जो हम रीयूज कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, और नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल कोयला, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें वही सब पूछा जाएगा। अगला पूछा है हमारी प्लेनेट जो अर्थ है उसका मेजर सोर्स क्या है, मतलब सोर्स एनर्जी क्या है, तो सन है, क्योंकि सन के अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें कभी भी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, तो जो हमारी अर्थ है तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेती है, सन से ही लेती है। अगला है फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कितने क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कोयला हो गया है ना, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम जेली होगी, तो ये सब क्या एग्जाम्पल है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फॉसिल फ्यूल है ये बनते कैसे हैं, क्योंकि लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, करोड़ों साल लगते हैं, तो कैसे बने हैं, कैसे इस सब के बारे में पूछा जा सकता है, तो इनके बनने का प्रोसेस आप पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है, तो नॉन रिन्यूएबल है, रीजन भी आप बता सकते हैं, क्योंकि एक बार यूज करें फिर खत्म हो गए, फिर यूज नहीं किए जा सकते, इनको बनने में करोड़ों साल लगता है। अगला है सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। लेसन एट है बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और जो बायोग्राफिक जोन्स है उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, जो हॉटस्पॉट होते हैं बायोडायवर्सिटी के वो क्या क्या है, और जो IUCN है इस टर्म का मतलब क्या होता है, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये क्या काम करती है, कैसे नेचर को बचाती है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है लेसन नाइन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, तो हम बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की दो स्ट्रेटेजीज है, इंसिटू और एक्सिटू, तो इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों क्या होती है, इनके बारे में पढ़ के जाना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब क्या क्या है, इनको पढ़ के जाना, तो इन सबकी डेफिनेशन आ सकती है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है। और बायोस्फीयर कंजर्वेशन को करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम उठा रही है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट के जितने भी रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हो गई, फाइनेंस फॉर एवरीवन में भी मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली इनको पूछा जा सकता है, जितनी भी स्कीम्स है ये तो जरूर पढ़ के जाना। और देखिए जो लोगों का मूवमेंट हुआ था उसकी क्या सिग्निफिकेंस है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर, तो ये भी पूछा जा सकता है। ट्रांसलोकेशन एंड रेइंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाना। तो देखिए इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, और जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो उसमें क्वेश्चन है, तो उससे बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है, तो सिर्फ इनको कर लेंगे तो बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।